मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर बंदे जो होते हैं वो सेकंड वाले ऑप्शन में ही आके फंस जाते हैं, जो ये क्या कहते हैं कमेंट ऑन योर कंटेंट का जो ये ऑप्शन है, ये कोई भाई पास ही नहीं कर पाता है, कोई भाई कंप्लीट ही नहीं कर पाता। बट आज की इस वीडियो में आपका भाई एकदम प्रॉपर तरीके से बताएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे आप लेवल 1 से लेवल 2 की ओर जा सकते हो, और लेवल 2 से लेवल 3 की ओर जा सकते हो, और फाइनली आप लेवल 3 कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपसे एक ही मैं कंडीशन रखूंगा कि भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। फिर यहां पे आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में स्विच करना होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक मेन्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फिर यहां पे आपको अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आपको फेसबुक पेज में कन्वर्ट होना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्या कहते हैं क्लिक करते हैं, तो जितने भी आपके फेसबुक पेज यहां पे आपने बनाया है वो सारे के सारे फेसबुक पेज यहां पे आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। और जिस फेसबुक पेज में स्विच होना है, कन्वर्ट होना है, सिंपली उसी फेसबुक पेज में आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। तो यहां पे मैं क्या कहते हैं क्लिक कर देना, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरा फेसबुक पेज में ये स्विच हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग लाइव देख सकते हैं। फिर यहां पे क्या कहते हैं जो खेला है भाई लेवल 1 से लेवल 2 का, लेवल 2 से लेवल 3 का, वो यहीं से शुरू होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं आपको अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेना, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। फिर यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लेवल 1 प्रोग्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो दोस्तों तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या कहते हैं पहला वाला जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू पब्लिक कंटेंट का, वो यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे 3 ऑप्शन बचता है, ठीक। पहला यहां पे कमेंट ऑन योर कंटेंट का, दूसरा न्यू पेज गाइड का, तीसरा क्रिएटर एजुकेशन का, ठीक है। ये 3 ऑप्शन बचते हैं। अब जैसे ही आप इन तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहां पे जो आपका क्या कहते हैं फेसबुक लेवल 1 है वो यहां पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होकर फेसबुक लेवल 2 में चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पे मैं क्या कहते हैं एक्सप्लोर बेसिक टूल्स को कंप्लीट करूंगा। उसके लिए यहां पे जैसे ही मैं क्या कहते हैं न्यू पेज गाइड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या कहते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप क्या कहते हैं गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कैसे यहां पे आपको जैसे ही गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहां पे आपको बैक आ जाना है, और यहां पे आप लोग लाइव देख सकते हैं जो मेरा पहला वाला ऑप्शन है क्या कहते हैं एक्सप्लोर बेसिक टूल का, वो यहां पे कंप्लीट हो चुका है। रही बस सेकंड का, जैसे ही मैं इस पे भी क्लिक करता हूं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फिर यहां पे आपको करना क्या है, सिंपली क्रिएटर एजुकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहां पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं फिर यहीं पे आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक करते हैं तो क्या कहते हैं ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी यहां पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और पहला वाला कंप्लीट हो चुका है। अब बात आते हैं भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के ऑप्शन पे, तो यहां पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रिएट न्यू पब्लिक कंटेंट का। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको करना क्या, गैलरी में से किसी भी एक फोटो को अपलोड कर देना है वो भी पब्लिक में, और जैसे ही ऐसा करते हैं तो यहां पे आपका जो पहला वाला ऑप्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। रही बस सेकंड वाला, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर बंदे जो होते हैं वो सेकंड वाले ऑप्शन में ही आके फंस जाते हैं, जो ये क्या कहते हैं कमेंट ऑन योर कंटेंट का जो ये ऑप्शन है, ये कोई भाई पास ही नहीं कर पाता है, कोई भाई कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल
बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं क्या कहते हैं कमेंट ऑन योर कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है जो मेरा फेसबुक पेज होता है वो ओपन हो जाता है। अब ऐसा किस लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझे नहीं कि इसमें लिखा क्या है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कमेंट ऑन योर कंटेंट यानी कि जो आपने कंटेंट अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है लाइक इसे फोटो हो गया वीडियो हो गया यहाँ पे आप लोग लाइक अभी मैंने आपको समझाया ना आपको क्या कहते हैं कोई पब्लिकली अपलोड करना चाहे से वो फोटो हो चाहे वीडियो कोई भी कंटेंट आपको पब्लिकली अपलोड करना है तो ये पहला वाला हो जाएगा। लेकिन जो आप पब्लिकली अपलोड करते हो वही ये दिखा रहा है कमेंट ऑन योर कंटेंट, जो आपने कंटेंट अपलोड किया है उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपका नया नया फेसबुक पेज है तो भाई जल्दी आपको क्या कहते हैं कमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लेवल वन से लेवल टू की ओर जाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने फ्रेंड्स का जो है एक क्या कहते हैं मोबाइल ले लेना है और उस बंदे का जो फेसबुक वो चलाता है उसके फेसबुक के प्रोफाइल से आपको अपना जो क्या कहते हैं ये पेज है ये सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ये पेज है जैसे सिर्फ मनी कमाओ मेरा पेज है, ठीक है, मैं क्या करूँगा अपने फ्रेंड्स के मोबाइल का जो फेसबुक प्रोफाइल है उस बंदे का उस प्रोफाइल से मैं अपने फेसबुक पेज को सर्च करूँगा और जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मेरा क्या कहते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मैंने पब्लिकली अपलोड किया लाइक जैसे मैंने ये फोटो अपलोड किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे नीचे तो आपको कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको करना क्या है सिंपली कमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको कुछ भी कमेंट कर देना है नाइस ब्यूटीफुल कुछ भी कमेंट करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ समझाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं बैक आ जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मेरा ऑलरेडी एक पहले से ही फेसबुक अकाउंट बना हुआ है और उसी में से मैंने अपने फेसबुक पेज सिर्फ मनी कमाओ को यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, और जो मैंने पब्लिकली अपलोड किया था गैलरी में से फोटो हो गया या वीडियो हो गया अब मैं करूँगा जैसे यहाँ पे मैंने पब्लिकली अपलोड किया ना एक फोटो अब करूँगा क्या यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या है सिंपली कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर क्या कहते हैं फेसबुक अकाउंट आपके पास पहले से ही कोई अगर नहीं है तो आप अपने दोस्त या में कोई भी किसी का भी मोबाइल उठाइए उनका फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करिए और आप अपने फेसबुक पेज का नाम सर्च करिए और जैसे ही आपके क्या कहते हैं फेसबुक पेज का नाम आ जाएगा और जो भी आपने पब्लिकली अपलोड किया है उसमें क्या कहते हैं कमेंट में जाना है और कमेंट में आपको कुछ भी कमेंट कर देना है। ठीक है, नाइस हो गया, कुछ भी आप क्या कहते हैं यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, एक इमोजी भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया अब मैं करूँगा क्या अपने फेसबुक पेज यानी कि सिर्फ मनी कमाओ को ओपन कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक पेज सिर्फ मनी कमाओ को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और जो मैंने कमेंट किया है वो यहाँ पे क्या कहते हैं जैसे जिस फोटो पे मैंने कमेंट किया है मैं उसी फोटो में आ गया हूं और कमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आप लोग लाइव देख सकते हैं यहां पे जो मैंने कमेंट किया था नाइस वो यहां पे आपको दिखने लगेगा। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला क्या कहते हैं हाइड का, दूसरा मैसेज का, तीसरा रिप्लाई का और उसके बाद क्या कहते हैं जो चौथा होगा वो भाई साहब यहां पे क्या कहते हैं लाइक का आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सिंपली इसी कमेंट को जो मैंने कमेंट किया है या फिर जो आप कमेंट करवाएंगे तो करना क्या है सिंपली इसी कमेंट को आपको लाइक कर देना है सबसे पहले काम और सेकंड नंबर पर जो रिप्लाई है आपको करना क्या है सिंपली इस पे क्लिक करना है और इसी कमेंट में आपको रिप्लाई कर देना है। जैसे यहां पे आप कोई भी इमोजी भी भेज सकते हैं जैसे यहां पे इसने बंदे ने नाइस किया है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कहते हैं थैंक्स का क्या कहते हैं एक रिप्लाई क्या कहते हैं मैं दे देता हूं। तो यहां पे आपको कमेंट में लाइक करना है और रिप्लाई कर देना है, इतना करेंगे जैसे ही तो जो आपका लेवल वन है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं आप लेवल टू पे चले जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जो मेरा लेवल वन यहाँ पे शो कर रहा था वो अब यहाँ पे लेवल टू शो कर रहा है, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अब लेवल टू को कैसे क्रॉस करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यार प्लीज वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर रोजाना अपलोड होती है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों जैसे ही आप लेवल टू पे आएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको चार कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, पहली कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी एक्सप्लोर एडवांस्ड टूल का, दूसरी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी एक्सप्लोर रील्स टूल्स का, तीसरी कैटेगरी रिच 50 न्यू प्ले ऑन योर रील्स का और चौथी जो कैटेगरी होगी वो ये है क्रिएट 3 न्यू पब्लिक पोस्ट का। तो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके बताऊंगा, उसके लिए आपको करना क्या है भाई वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लोर एडवांस टूल के ऑप्शन पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मॉडरेशन असिस्ट का, क्रिएट सपोर्ट का, ठीक है, उसके बाद मॉडरेशन टूल्स का, उसके बाद आपको एड सेंटर का। तो
यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे जाता हूँ मॉडरेशन असिस्ट का। तो जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है, देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको करना क्या है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। फिर यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको करना क्या है सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं इमेज इन कंटेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड टू मॉडरेशन असिस्ट का, आपको करना क्या है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। और जैसे ही आप इतना करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर वाला मॉडरेशन असिस्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मॉडरेशन टूल्स का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्ट, आपको करना क्या है सिंपली गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते हैं फिर यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। तो भाई जो तीसरे नंबर वाला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है ऐड सेंटर, जब इस पर आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे गो टू ऐड सेंटर के ऑप्शन पे आपको करना क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे इसका जो इंटरफेस होगा वो आपको क्या कहते हैं कुछ ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि लोडिंग ले रहा है। फिर यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आपको करना क्या है सिंपली यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है। और जैसे ही आप बैक आ जाते हो भाई यहाँ पे आपके चारों को चारे जो क्या कहते हैं ऑप्शन होते हैं वो चारे के चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाते हैं। अब भाई जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है एक्सप्लोर रील्स टूल्स का, आपको करना क्या है सिंपली इसमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा योर इंस्पिरेशन हब का, आपको करना क्या है सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट रील का, आपको करना क्या है सिंपली एक रील अपलोड कर देना है वो भी पब्लिकली। जैसे ही आप पब्लिक में क्या कहते हैं रील्स को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं जो आपका ये वाला ऑप्शन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मैंने पहले से रील अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सेकंड वाला जो कैटेगरी है एक्सप्लोर रील्स टूल्स का वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक ही रील आपको पब्लिकली जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपका भी ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है रीच 50 न्यू प्लेस ऑन योर रील्स। अब भाई इसका मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, पहला क्रिएट अ रील का, ठीक है। जैसे आपको करना क्या है सिंपली एक रील्स को अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं आपका एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो सेकंड नंबर पे है रीच 50 न्यू प्लेस ऑन योर रील्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही रील्स अपलोड करो, आप यहाँ पे दो भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जितना आपका मन है उतना आप रील्स अपलोड करो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है सेकंड नंबर पे देख सकते हैं रीच 50 न्यू प्लेस ऑन योर रील्स। तो जैसे ही आपके रील्स पे 50 व्यूज आ जाते हैं, अब जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो पे 50 व्यू आ जाए। अगर आपने 50 वीडियो अपलोड किया और पर वीडियो पे एक एक व्यूज आता है तो 50 वीडियो के हिसाब से 50 व्यूज हो जाता है, तो उस हिसाब से भी आपका ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट 3 न्यू पब्लिक पोस्ट का, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं आपके कुछ जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरी का, रील्स का, लाइव का, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपको अपलोड वीडियो का। तो यहाँ पे आपको कहने का मतलब है 3 पब्लिकली कंटेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पब्लिकली पोस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप करते हैं तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ये कंप्लीट होता है जो ये आपका लेवल 2 है दोस्तों, ये लेवल 2 पहुंच जाता है लेवल 3 में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप लेवल 3 पे आते हो तो लेवल 3 पे आने के बाद क्या कहते हैं जो आपका फीचर होता है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लाइव देख सकते हो मेरा लेवल 2 से लेवल 3 पे आ गया है। यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेवल 2 से मेरा लेवल 3 पे आ गया है। क्योंकि भाई जब मैंने पब्लिकली 3 पोस्ट अपलोड कर दिया था, उसके बाद जब मैंने रील्स अपलोड कर दिए थे, जैसे ही 50 व्यूज मेरा एक दिन के बाद आ गया था वो लेवल 2 से लेवल 3 पे आ गया। और ये वीडियो कल भी मैंने शूट किया और यही वीडियो मैं आज भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है यार। वीडियो पे नया हो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मैं लेवल 3 पे आ गया हूँ और लेवल 3 पे आने के बाद इसके जो कंडीशन है वो भाई कुछ अलग ही है। देखो जो पहले नंबर पे कंडीशन है उसमें दिया है ग्रो टू 1000 फॉलोअर। तो जैसे ही आपके फेसबुक पेज का जो फॉलोअर है वो 1000 हो जाता है वो जो इसका वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर पे है भाई रीच 500 न्यू प्लेस ऑन योर रील्स, ठीक है। तो जैसे ही क्या कहते हैं आपके जो आपने अपने फेसबुक पेज पे रील्स अपलोड किया है उन सभी रील्स का जो व्यूज है जब वो काउंट करने पे
आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और क्रिएट न्यू पब्लिक कंटेंट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे दिया है क्रिएट 5 न्यू पब्लिक पोस्ट, जैसे ही आप 5 पोस्ट कर देते हो पब्लिकली, चाहे वो फोटो चाहे वो वीडियो चाहे वो रील हो, जैसे ही 5 पोस्ट कर देते हो पहला वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। चूंकि मैंने कर दिया इसलिए मेरा पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकेंड नंबर पर है उसमें दिया है पोस्ट 5 डेज इन अ रो, यानी कि 5 दिन आपको लगातार वीडियोस को अपलोड करना है, गैपिंग नहीं करना है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि मैंने ये सारे के सारे रूल मैंने फॉलो किया है तो यहाँ पे जो मेरे ऑप्शन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस दो ही ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन ये मेरा 1000 फॉलोअर अभी नहीं हुआ है, टेक ऑनली टेक मेरे फेसबुक पेज का नाम है यार, प्लीज जाओ यार फॉलो करो यार, भाई को सपोर्ट करो। तो जैसे ही आप 1000 फॉलोअर करा दोगे ना तो ये वाला ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही मेरे जो रील्स जो मैंने अपलोड किया उन सभी में अगर 500 व्यूज आ जाते हैं ना काउंट करने पर, उन सभी रील्स के व्यूज काउंट करने पर 500 व्यूज आ जाते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाता है और लेवल 3 मेरा जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन था वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। अगर यार थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया हो यार तो प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप भी प्रेस कर लो, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।